हेलो गाइस, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो बहुत खास वीडियो है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर क्या हमारे एग्ज़ाम्स के एडमिट कार्ड फिर से आएंगे, क्या हमारे एग्ज़ाम सेंटर्स नए बनाए जाएंगे। ऐसे बहुत तरह तरह की कमेंट्स आ रहे हैं और वहीं पर आपका एग्ज़ाम 7 जुलाई को है, तो आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है इन चीज़ों को सोचने के लिए। आज का वीडियो खास है, आप लोग इस पूरे वीडियो को वॉच करके अपने सारे मिथ, अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो जो लोग भी चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, अगर आप चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से बीएड कर रहे हैं तो आपके लिए यह चैनल मेरा बहुत ही जेन्युइन चैनल है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके जितने भी ऑथेंटिक अपडेट्स होते हैं वो सारे अपडेट्स हम आपको लाके टाइमली देते हैं, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हम आपके सिलेबस को भी कवर कराते हैं। जो आपके बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सिलेबस हैं उनको भी कंप्लीट कराते हैं। अभी जैसे कि आप सभी को पता है माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय के बीएड के पेपर चल रहे हैं, तो रिसेंटली मैंने उनके वीडियोज़ भी अपलोड कर दिए हैं कि कैसे पेपर्स आपके वहाँ पर आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किया कि सर आप फ्रंट पेज नहीं दिखा आते हैं, क्योंकि बच्चों आप विश्वास करो कि आपका पेपर जिनमिन है, आप कहीं से भी मिला लीजिएगा, कहीं से भी मैच कर लीजिएगा, जहाँ से भी पेपर आपको मिल जाए, हो सकता है कोई आपका जानने वाला वहाँ हो, तो आपका पेपर जेन्युइन है। आप इन चीज़ों को लेके बिल्कुल भी डाउट में ना रहें, क्योंकि मेरे पास जो पेपर जिस बच्चे ने भेजा था उन्होंने फ्रंट का पेज ही नहीं भेजा था, और लेकिन मुझे क्लियर है कि पेपर आपका वही था। मैंने भी सर्च किया, मैंने भी चीज़ों को देखा, तो आपके पेपर्स वही हैं, आपको इन चीज़ों को लेकर परेशान नहीं होना है। उन पेपरों में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आप देखेंगे हमारे प्लेलिस्ट में जो वीडियोस पड़े हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, वहाँ पर जब जाके आप देखेंगे लगभग क्वेश्चंस आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल ही जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे जो प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़े हैं वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। उन वीडियोस को वॉच करके आप अपने एग्जाम में बेहतर स्कोरिंग कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपके पास टाइम बेहद कम है, आपके पास सिर्फ 7 दिन का समय है, और उस 7 दिनों में अगर आप चाहते हैं एक अच्छे तरीके से तैयारी की जाए तो आप हमारे वीडियो को वॉच करके, जितने भी वीडियोज हमने अपलोड कर रखा है, खासतौर पर अगर बात करें जैसे अधिगमकर्ता का विकास हो गया, इनके हर एक यूनिट के वीडियोस हैं, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं आपका समकालीन भारत और शिक्षा, इनके भी लगभग वीडियोस हमने प्रोवाइड करा दिए हैं। हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस कहीं ना कहीं आपको हमारे प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। उन वीडियोस को वॉच करके कहीं ना कहीं आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं इस अंतिम क्षण में। अब बात कर ली जाए कि क्या आपके नए एडमिट कार्ड्स जारी होंगे, तो अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। आज मैंने कॉलेज में बात किया, वहाँ से भी कुछ जेन्युइन अपडेट्स नहीं मिल पाए हैं। बस यही आप समझ लीजिए कि आपका जो पुराना एडमिट कार्ड था अभी उसी को आप मान के चलिए, लेकिन क्योंकि अभी ऐसे कोई अपडेट्स नहीं आए इसलिए इस टॉपिक पे अभी बात करना बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। तो जो भी जैसे अपडेट्स होंगे हम आपको टाइमली ला के देंगे। अगर आपका एडमिट कार्ड इशू भी होता है तो मे बी 2 से 3 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स की डेट 7 जुलाई है, तो आपके एडमिट कार्ड जल्दी ही रिलीज हो जाने चाहिए अगर आपका नया एडमिट कार्ड आता है तो। अभी इसके बारे में कुछ भी हम ऑथेंटिक अपडेट्स आपको नहीं दे सकते हैं जब तक वेबसाइट पर कोई नया अपडेट नहीं आ जाता है। जैसे ही वेबसाइट पर नया अपडेट आएगा कोई, हम आपको सबसे पहले लाके यहाँ पर बता देंगे कि आपके एडमिट कार्ड नए आए हैं कि नहीं आए हैं, आपको वहाँ पर डाउनलोड करना है कि नहीं करना है, किस तरीके से डाउनलोड करना है, वो सारी बातें हम आपको अपने चैनल पर लाके बता देंगे। अब बात कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं कि सर हम सेंटर पर कैसे जाएँ, कैसे अपने रूम की व्यवस्था करें, किस तरीके से वहाँ पर रहने की व्यवस्था करें। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, हम आप सभी को यही बताना चाहेंगे कि आपका जो सेंटर जाता है लगभग गाँव के स्कूल में जाता है, या मेरठ के इर्द गिर्द जो आसपास स्कूल है 5 से 6 किलोमीटर के आसपास, वहां पर आपका सेंटर जाता है। तो कहीं भी जाएगा, मेरठ के हर एक गांव में आपको रूम मिल जाता है, वहां पर गांव में भी लोग रूम रेंट पे उठाते हैं। खासतौर पे अगर मेरठ सिटी के आसपास है तो वहां पर आपको बहुत सारे लॉज मिल जाएंगे, बहुत सारे रूम मिल जाएंगे जो कि आपको बहुत सस्ते रूम मिल जाएंगे जहां पर आप रह सकते हैं, और साथ ही साथ एक प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे वहां पर जब आपको मिलेंगे तो एक ग्रुप बना के भी आप लोग रूम ले सकते हैं, मे बी आपको सस्ता पड़ जाएगा और आप आराम से अपने एग्जाम्स के ड्यूरेशन में रह के वहां पर अपने एग्जाम को दे सकते हैं। बिकॉज आपके एग्जाम का जो टाइम पीरियड है लगभग 14 to 15 days है, तो 14 से 15 दिन के अंदर आपका पेपर खत्म हो रहा है, तो इतने दिनों की व्यवस्था आप वहां पर कर सकते हैं रहने की। एंड आई होप कि आप वहां पर बेहतर कर पाएंगे रहने की व्यवस्था और अपनी तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि अगर रहने की व्यवस्था अच्छी रहेगी तो आपकी पढ़ाई अच्छी होगी और अपने एग्जाम को अच्छे से अपेयर कर पाएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए यही इतना अपडेट था। जो भी आपके लेटेस्ट अपडेट होंगे हम आपको टाइमली ला के देते रहेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट जितने भी अपकमिंग नोटिफिकेशन हो आपको टाइमली मिलते रहे, और वीडियोज को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू डियर फ्रेंड्स एंड जय हिंद।